Very good morning, good afternoon, good evening, dear students. Whenever you're watching this lecture, I hope that it is morning time जो आप ये लेक्चर अटेंड कर रहे हो. तो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि क्या क्या टॉपिक हमारे करिकुलम में है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि एग्जाम आपके बिकॉज ऑफ COVID-19 पेंडेमिक कैसे डिले हो रहे हैं. बट टूडे वी आर मूविंग ओवर टू द फर्स्ट टॉपिक विच इज अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, ऑल्सो कॉल्ड एज सिंगल एंट्री. और इसका भी मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था, बट फिर भी मैं आपको एक बार फिर से इंट्रोडक्शन देता हूँ. स्टूडेंट्स, होता यह है कि जो छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, जैसे कि कोई छोटी सी किराना वाले की दुकान हो गई, कोई छोटी सी स्टेशनरी शॉप हो गई, तो ऐसे छोटे छोटे बिजनेसेस में क्या होता है कि लोगों के पास बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं होते, बहुत पैसा नहीं होता टू हायर एन अकाउंटेंट और टू रोप इन अ CA फर्म जो अकाउंट्स आपको बना के देंगे. तो ये जो प्रोप्राइटर्स होते हैं, ये अपना बेसिक लेवल पे हिसाब किताब करते हैं, सारा इनकम रिसीट्स रिकॉर्ड करते हैं, सारी इनकम रिकॉर्ड करते हैं, सारा जो आउटफ्लोज है, जो खर्चे वो रिकॉर्ड करेंगे. तो इनकम और एक्सपेंसेस को शीट्स के ऊपर लिख के ले लेंगे, परचेज के जो वाउचर्स है, जो परचेज के बिल है सेव करेंगे, जो सेल्स की रिसीट है वो रिसीट बुक का काउंटर फाइल अपने पास रखेंगे, और कितना पैसा आया कितना पैसा गया कैश में, कैश पेटी में और बैंक में, इसका हिसाब किताब रख देते हैं. तो इसी के लिए ये लोग डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी फॉलो नहीं करते, जो सोफिस्टिकेटेड मेथड फ्रा लुका बार्थोलोमे और डी पसियोली ने हमें सिखाया, जो हम अकाउंट्स में हर दिन सॉल्व करते हैं, मर्केंटाइल सिस्टम, तो इनको ये चीज पता नहीं होती. तो इसी के लिए ये जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं सिंगल एंट्री. आप सिर्फ उतना ही इनकम रिकॉर्ड करोगे जितना कैश में मिला है. डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ऑन द अदर हैंड, हम लोग डबल एंट्री में क्या करते हैं, हम वो सारा इनकम रिकॉर्ड करते हैं जो कैश में भी मिला है और जो उधारी पे भी हमें मिला है. राइट एवरीवन? जो हमने डेटर्स को गुड्स दी, हम वो भी रिकॉर्ड करते हैं. तो यहाँ पे उनका जो अकाउंटिंग होता है पूरे तरीके से नहीं होता. यहाँ पे ये आपको बैलेंसेस और कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे क्वेश्चन में, और आपको पूरा डबल एंट्री के हिसाब से फाइनल अकाउंट्स बनाना होगा. जो भी मेरे स्टूडेंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहे हैं, आपका एक रीजनेबली अच्छा अंडरस्टैंडिंग है अकाउंट्स का. जो भी मेरे कंपनी सेक्रेटरीशिप के CSET पास आउट स्टूडेंट्स है या CSET वाले, जिनको अकाउंट्स में थोड़ा गैप हो रहा है, बिकॉज 12th में हमने अकाउंट्स किया, CSET में हम अकाउंट्स नहीं कर रहे, आप लोग प्लीज मेरे सारे बेसिक लेक्चर अकाउंट्स के ले लें, अकाउंटिंग कन्वेंशन प्रैक्टिसेस एक्सेट्रा. मेरे सारे लेक्चर्स कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू के, सारे जर्नल एंट्री के लेक्चर्स और लेजर के लेक्चर्स, प्लीज आपको ये सब लेक्चर सॉल्व करने पड़ेंगे. ओके, तो ये प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स है मेरे, प्लीज आप आके मुझसे सारे लेक्चर्स ले लेना और फिर आप ये चीज कंटिन्यू करना. इवन इफ योर अकाउंट इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, मैं सिस्टमैटिकली स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा. आज मैं आपको एक कंसेप्ट सिखाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में आपको दूसरा कंसेप्ट. तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एकदम बेसिक लेवल पे सिखाऊंगा. आज मैं सिर्फ एक कंसेप्ट आपको सिखाऊंगा. इवन इफ यू आर नॉट वेरी गुड इन अकाउंट, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. आई विल गो स्लो, आई विल गो स्टेप बाय स्टेप, आई विल बी वेरी पर्टिकुलर इन टेलिंग यू व्हाट टू राइट व्हाट नॉट टू राइट. ओके, लेट अस स्टार्ट एवरीवन. सबसे पहले तो आई वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट 6 इंपॉर्टेंट लेजर्स विच आर इंटरलेटेड. मुझे एक बात बताना कि जो ट्रेडिंग बिजनेस है, जो हमारा करिकुलम है ना, यहां पे ना ही तो मैन्युफैक्चरिंग ना ही तो सर्विस प्रोवाइडर की हम बात करें, हम बात करते हैं ट्रेडर की, जो एक हाथ से गुड्स खरीदता है दूसरे हाथ से गुड्स बेचता है. तो स्टूडेंट्स, जो ट्रेडिंग बिजनेस होता है उसमें दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं बिजनेस के, एक तो होता है सेल्स और एक होता है परचेजेस. जो आप सेल्स करते हो गुड्स, वो आप डेटर्स को, अपने कस्टमर को सेल करते हो. जो परचेज करते हो वो आप अपने क्रेडिटर सप्लायर से परचेज करते हो. ओके, तो जो डेटर लेजर है और बिल्स रिसेबल लेजर है, ये इंटरलेटेड होता है. डेटर्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर इज बिल्स रिसेबल, वैसे ही क्रेडिटर्स और बीपी ये इंटरलेटेड होता है. क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल आर नथिंग बट वन एंड द सेम थिंग, दे बोथ आर पेबल्स. नाउ डेटर BR के साथ और एक लेजर जुड़ा होता है सेल्स. जब आप सेल्स करोगे, गुड्स को बेचोगे, तभी तो दूसरा आदमी आपका डेटर बनेगा, और वैसे ही जब आप गुड्स परचेस करते हो तभी तो आपका क्रेडिटर बनेगा, आपको उसको पे करना होगा. राइट, तो एवरीवन 3 लेजर्स, डेटर, बिल्स रिसीवेबल एंड सेल्स, ये इंटरलेटेड है. क्रेडिटर, बिल्स पेबल एंड परचेजेस, ये इंटरलेटेड है. आज का मेरा एरिया ऑफ फोकस सिर्फ डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है एंड सेल्स है. इज दिस फाइन एवरीवन? सिर्फ 3 लेजर आज हम डिस्कस कर रहे हैं. तो स्टूडेंट्स, इन केस आपको पता नहीं है, तो अकाउंट्स की हर क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं गोल्डन रूल्स आपको बताता हूं.
तो ये रहे गोल्डन रूल्स। अब स्टूडेंट्स हुआ ये कि फ्रा लुका बार्थोलोमियो डी पसियोली ने अकाउंटेंसी में दो इफेक्ट्स क्रिएट किए। एक इफेक्ट का मतलब होता है प्लस माइनस, प्लस साइन। दूसरे इफेक्ट का मतलब होता है माइनस साइन। When you receive cash, you do plus. When you pay cash, you do minus. Conversely, वही इफेक्ट कभी कभी जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है और जो माइनस होता है प्लस हो जाता है। तो ये दोनों इफेक्ट्स को फ्रा लुका ने लैटिन लैंग्वेज से निकाला। एक का नाम है डेबिटम और एक का नाम है क्रेडिटम। डेबिटम मतलब कि जब हम ओ करते हैं किसी को, क्रेडिटम मतलब कि जब कोई और पर्सन हमें ओ करता है, और फ्रा लुका ने उसको बोला डेबिट और क्रेडिट। अगर फ्रा लुका उसको अल्फा और बीटा बोलता और स्काई और अर्थ बोलता और ब्लैक और व्हाइट बोलता तो हम आज भी उसको ब्लैक व्हाइट स्काई और अर्थ बोलते हैं। सर डेबिट का क्या मीनिंग है? कुछ भी मीनिंग नहीं है। फ्रा लुका ने दो वर्ड यूज किए। वो उसको अल्फा बीटा बोलता तो हम भी अल्फा बीटा, अगर गामा ओमेगा बोलता तो हम भी आज गामा ओमेगा कर रहे होते। समझ में आएगी अभी? प्लस माइनस साइंस है, यही डेबिट क्रेडिट होते हैं। कभी कभी डेबिट प्लस होता है, कभी कभी माइनस होता है, कभी कभी क्रेडिट प्लस होता है, कभी कभी माइनस होता है। डेबिट क्रेडिट हैव स्पेसिफिक मीनिंग व्हेन यू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर अकाउंट। जैसे कि इफ यू गिव मी रियल अकाउंट एंड यू से डेबिट, इट मीन्स प्लस इन रियल अकाउंट। समझ में आ रहा है आपको? इन रियल अकाउंट क्रेडिट मीन्स माइनस। तो डेबिट क्रेडिट का अलग अलग मीनिंग होता है एज यू चेंज द टाइप ऑफ अकाउंट। तो फ्रा लुका ने हमें गोल्डन रूल्स दिए थे और फ्रा लुका ने बोला था कि जब भी आप अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन देखोगे उसको दो पार्ट में डिवाइड करना। एक अकाउंट को डेबिट इफेक्ट होगा, एक अकाउंट को क्रेडिट इफेक्ट होगा। और वो इफेक्ट आपको कैसे प्लेस करना है सुनो। अगर पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। फ्रा लुका ने बोला डेबिट इज बैड, रिसीवर इज बैड, डेबिट द रिसीवर। डेबिट ये बुरी बात है, रिसीवर ये बुरा आदमी होता है। आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाया कि कभी कोई पानी मांगे तो उसको पानी दे देना चाहिए। यू हैव टू बी अ गिवर इन लाइफ। लाइफ में दो टाइप के लोग होते हैं, एक लेने वाले एक देने वाले। लेने वाले फ्रेंड क्या करते हैं, A3 शीट नहीं लाएंगे, हाइलाइटर नहीं लाएंगे, रेड ग्रीन पेन नहीं लाएंगे, आपसे मांगेंगे, क्लास बंक करेंगे, आपसे नोट्स मांगेंगे। सही बात है कि नहीं भाई का? तो दे आर बैड। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दूसरा अकाउंट रियल अकाउंट। अब यहां पे डेबिट गुड है। रियल अकाउंट मतलब फिक्स्ड एसेट अकाउंट, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर बिजनेस में एसेट आया तो उसको डेबिट इफेक्ट मानना है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। वेरी गुड भाई का। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। अच्छा, नॉर्मल अकाउंट्स में अगेन डेबिट ये बुरा है, एक्सपेंसेस लॉसेस बुरे। So debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. Everyone ek baar fir se. Personal account debit the receiver, credit the giver. Real account debit what comes in, credit what goes out. Normal account debit all expenses and losses, credit all incomes and gains. Is this fine everyone? Yes sir. So isko hum kya bolte hain? Golden rules. Aur isko hum bolte hain traditional golden rules. Isko hum bolte hain ट्रेडिशनल गोल्डन रूल्स। इज दिस फाइन एवरीवन? अब हमने क्या किया है कि पर्सनल रियल नॉमिनल से बेटर अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन हमने किया है, जिसको बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच, एसेट लायबिलिटी एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। ओके एवरीवन, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं ना तो गोल्डन रूल्स नहीं फॉलो करते हम पर्सनल रियल नॉमिनल ऐसा बायफर्केशन नहीं करते। फाइनल अकाउंट्स में क्या दिखता है आपको? ट्रेडिंग पीरियड अकाउंट में क्या दिखता है? एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। और बैलेंस शीट में क्या दिखती है? एसेट लायबिलिटी। तो फाइनल अकाउंट्स या मॉडर्न अप्रोच ये ज्यादा कन्वीनियंट है और उससे आंसर ज्यादा जल्दी आ जाता है। दिस इज ओके एवरीवन? तो मैंने क्या किया, मैंने यही अकाउंट्स को बाइफर्केट कर दिया, एसेट एक्सपेंस लायबिलिटी इनकम, और मैंने कुछ रूल्स यहां पे असाइन कर दिए जो बहुत इजी है। एसेट एंड एक्सपेंसेस डेबिट, एसेट एंड एक्सपेंसेस डेबिट, लायबिलिटीज एंड इनकम क्रेडिट व्हेनेवर दे आर क्रिएटेड। क्रिएशन रूल्स है, एसेट्स डेबिट, एसेट्स डेबिट, सुनाई नहीं दे रहे? एसेट्स डेबिट, एक्सपेंसेस डेबिट, वेरी गुड, लायबिलिटीज क्रेडिट, इनकम्स क्रेडिट। जब एसेट क्रिएट होता है डेबिट, एक्सपेंस क्रिएट होता है डेबिट। जब एसेट कम होता है तो क्रेडिट, एक्सपेंस कम होता है तो क्रेडिट। व्हेन लायबिलिटीज एंड इनकम्स आर क्रिएटेड क्रेडिट, व्हेन लायबिलिटीज एंड इनकम आर रिड्यूस्ड
you have to give them a debit. Is this fine everyone? Yes. Okay. And everyone CCD due to their grid. तो देखो जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज ये लैटिन लैंग्वेज से बनी हुई है तो वैसे ही डेबिट और क्रेडिट ये लैटिन वर्ड्स हैं तो इसी के लिए सीसीडीडी काफी मैच होता है मतलब कि काफी अकाउंट्स का नाम सीसी होता है और उसको क्रेडिट इफेक्ट होता है और डीसी होता है उसको डेबिट इफेक्ट होता है तो ऐसे चार डिफरेंट अकाउंट्स से ध्यान से सुनो कैपिटल क्रेडिट ड्रॉइंग्स डेबिट सी फॉर कैपिटल सी फॉर क्रेडिट डी फॉर ड्रॉइंग्स डी फॉर डेबिट C for creditor, C for credit, D for debtor, D for debit. Capital credit, capital credit. Drawings debit. Creditors credit. Debtors debit. अब ये सेशन खत्म होने आ रहा है और अब हम ये देख रहे हैं कि हमें 100 टाइम्स लिखना है 90 टाइम्स लिखना है क्योंकि जो रिस्पांस मैं चाहता हूँ मुझे मिल नहीं रहा तो 100 टाइम्स तो लिखना पक्का है अब आप डिसाइड कर सकते हैं 100 को 90-80 करना है क्या ठीक है अभी और मैं लास्ट टाइम अभी आप लोग से पूछ रहा हूँ और ये जो आपका रिस्पांस होगा इसमें मैं डिटरमाइन करूंगा वन लास्ट टाइम एवरीवन ट्रेडिशनल गोल्डन रूल्स पर्सनल अकाउंट डेबिट तो क्रेडिट तो रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोस आउट नॉर्मल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम मॉडर्न अप्रोच फाइनल अकाउंट्स अप्रोच एसेट्स डेबिट एक्सपेंसेस नाउ डेटर को कौन सा बैलेंस होता है डेटर्स डेबिट डेटर्स डेबिट सीसीडीडी रूल डेटर्स डेबिट क्रेडिटर्स क्रेडिट ओके सो जो डेटर्स है ये क्रिएट होते हैं डेबिट साइड पे इनका ओपनिंग बैलेंस होता है जो सेल्स आपने किया है क्रेडिट सेल्स उससे आपका डेटर क्रिएट होता है और जो भी आपके बिल्स और इवन चेक्स जो डिसऑनर होते हैं उससे आपका डेटर क्रिएट होता है अगर बिल्स रिसीवेबल डेटर ने आपको पे नहीं किया तो देन यू हैव टू रिकवर मनी फ्रॉम देम तो यहाँ पे वापस से वो आपके डेटर बन जाएंगे वैसे ही अगर कोई डेटर ने आपको चेक दिया और चेक बाउंस कर दिया तो वापस से डेटर डेबिट पे एंट्री आएगी नाउ डेटर खाली कैसे होता है डेटर ने आपको एक बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर एक्सेप्टेड का स्टैम्प मार के दे दिया तो डेटर इज कन्वर्टेड टू बिल्स रिसीवेबल उससे डेटर खाली होता है आप डिस्काउंट देते हो तो डेटर आपको पे नहीं करेगा जब सेल्स रिटर्न होता है तो डेटर पे नहीं करेगा जब बैड डेट होती है तो डेटर पे नहीं करता जब डेटर आपको कैश दे देता है तो आपका डेटर का लेजर खाली होगा एंड ऑफ कोर्स क्लोजिंग बैलेंस से डेटर क्लोज होता है ओके तो मुझे एक बात बताना कि डेटर कैसे क्रिएट होता है ओपनिंग बैलेंस सेल्स एंड डिसऑनर ऑफ बिल्स इंक्लूडिंग चेक ओके डीआर कैसे क्रिएट होता है ओपनिंग बैलेंस से और डेटर्स से राइट डेटर्स आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर एक्सेप्टेड का स्टैम्प मार के देते हैं तो डेटर बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट हो जाता है नाउ बिल्स रिसीवेबल खाली कैसे होता है मुझे बताओ सबसे पहले तो डेटर्स आपके बिल्स को डिसऑनर कर देंगे तो बीआर आपका खाली हो जाएगा आपको लोग कैश दे देंगे तो आपका बीआर खाली हो जाएगा और ऑफ कोर्स क्लोजिंग बैलेंस से आपका बीआर लेजर क्लोज होता है अब जो सेल्स होता है ये सेल्स मेरा इनकम है तो सेल्स को होता है क्रेडिट बैलेंस सेल्स में हम क्रेडिट साइड पे बाय डेटर इंटो ब्रैकेट क्रेडिट सेल्स बाय कैश इंटो ब्रैकेट कैश सेल्स लिखते हैं दोनों का टोटल ले लेंगे और टोटल ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं आई होप दिस इज एब्सोल्युटली ओके एवरीवन जो भी स्टूडेंट्स का अकाउंट स्ट्रांग नहीं है मैं आपको फिर से बता दूं मेरे तकरीबन 20 घंटे के लेक्चर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी टू जर्नल एंट्री टू लेजर्स इंक्लूडिंग फाइनल अकाउंट्स तो ये सब आप पढ़ लो ये 20-30 घंटे के सारे लेक्चर्स आप मेरे देख लो यू विल बिकम परफेक्ट इन बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फिर आपको ये चैप्टर काफी आसान जाएगा ओके और अगर आपको वो सब अभी नहीं पढ़ना है तो आप बस सुनो और मेरे साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करो जो मैं आपको बता रहा हूँ बिफोर यू नोट डाउन द क्वेश्चन आई जस्ट वॉन्टेड यू टू नोट डाउन द फॉर्मेट ये रहा डेटर्स का फॉर्मेट इसमें और भी आइटम्स होते हैं बट दीज आर ऑल द इम्पॉर्टेंट वंस तो डेटा का फॉर्मेट नोट डाउन करो वीडियो को पॉज करो डेटा फॉर्मेट नोट डाउन करो देन बिल्स रिसीवेबल एंड सेल्स का फॉर्मेट नोट डाउन करो आज हमें तीन लेजर्स पढ़ने ओके आफ्टर नोटिंग इट डाउन ये पहला क्वेश्चन आज का मैं आपको दे रहा हूं सर्टेन इंफॉर्मेशन ऑन बिजनेस ऑफ मुकेश इज गिवन फॉर द ईयर 2021-22 और ये लोग चाहते हैं कि आप ये इंफॉर्मेशन यूज करके टोटल सेल्स हमें ढूंढ के दें
टोटल सेल्स ढूंढने के लिए मुझे क्रेडिट सेल्स लगेगा, मतलब मुझे डेटा का लेजर पूरा बनाना पड़ेगा, और डेटा के लेजर में कुछ मिसिंग फिगर होगा जिसके लिए मुझे बीआर का लेजर बनाना होगा। आप बोलोगे सर बीआर लेजर बनाना आपको कैसे समझा, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्स रिसीवेबल दिया हुआ है, यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रहा है बिल्स एक्सेप्टेड एंड बिल्स ऑनर्ड, मतलब कि बिल्स का भी यहाँ पे लेजर बनेगा। कोई तो डेटा लेजर में मिसिंग फिगर है जो बीआर लेजर से मुझे समझ में आएगा। तो टेल मी द सीक्वेंस ऑफ लेजर्स फॉर दिस क्वेश्चन। नंबर वन, प्रिपेयर डेटर्स लेजर। नंबर टू, प्रिपेयर बीआर लेजर। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बीआर का कोई तो बैलेंस डेटर में रिफ्लेक्ट होगा। एंड देन नंबर थ्री, प्रिपेयर सेल्स लेजर। एंड एवरीवन, बीआर बना के बीआर का बैलेंस डेटर में डालो, फिर डेटर को क्लोज करके सेल्स लेजर में उसका बैलेंस डालो। इज दिस एब्सोल्युटली ओके एवरीवन? तो ये तीन लेजर्स हमें आज बनाने टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन, दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं, ताकि आपका जो कंसेप्ट है डेटर, बीआर और सेल्स का वो स्ट्रेंथन हो जाए। ओके, और फिर नेक्स्ट टाइम मैं क्रेडिटर वाला लेजर और परचेज लेजर के क्वेश्चन लूंगा, एंड देन विल गो टू द नॉर्मल यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे क्वेश्चंस। तो चलो एवरीवन, सब लोग का ये नोट डाउन करके हो गया क्वेश्चन, तो मुझे बताओ ये पूरा क्वेश्चन अभी मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूं। नोट डाउन किया सबने? नाउ लिसन टू मी। डेटर्स ओपनिंग बैलेंस, ये डेटर्स डेबिट में जाएगा। बीआर ओपनिंग बैलेंस, ये बीआर लेजर डेबिट में जाएगा। डेटर क्लोजिंग बैलेंस, ये डेटर्स लेजर क्रेडिट साइड पे लास्ट लाइन पे जाएगा। बीआर क्लोजिंग बैलेंस, ये बीआर लेजर क्रेडिट साइड लास्ट लाइन पे जाएगा। याद रखना, डेटर्स को होता है डेबिट बैलेंस और बीआर को होता है डेबिट बैलेंस। ओके, इसको हम बोलते हैं रिसीवेबल्स। क्या बोलते हैं इसको हम? रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स कैरी अ डेबिट बैलेंस। नाउ बिल्स एक्सेप्टेड से आपका जो बीआर है वो बढ़ेगा, सो बीआर आपका डेबिट होगा, बट आपका जो डेटर्स है वो आपका क्रेडिट होगा, कम होगा। ओके, डिस्काउंट अलाउड से आपका डेटर्स क्रेडिट होगा, डेटर्स कम होंगे आपके। बैड डेट से आपका डेटर क्रेडिट होगा, सेल्स रिटर्न से आपका डेटर क्रेडिट होगा, कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स डेटर क्रेडिट, बिल्स ऑनर्ड बीआर क्रेडिट, इससे आपका बीआर कम होगा, और कैश सेल्स, ये आपको सेल्स अकाउंट में नोट डाउन करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा ये, तो सेल्स लेजर से ट्रेडिंग अकाउंट में आप ले लो। इज दिस एब्सोल्युटली ओके एवरीवन? तो चलो एक एक करके सारे आइटम की मैं पोस्टिंग करता हूं, एंड लेट अस सी कि कैसे वो मिसिंग बैलेंसेस के साथ खेलना है। चलो एवरीवन, सो आई एम स्टार्टिंग नाउ। ओपनिंग बैलेंसेस आपके सामने मैं नोट डाउन करके ले लू, थोड़ा सा मैं स्क्रीन 2 मिनट छोटा कर रहा हूं ताकि मुझे ठीक से दिखे। सो यहां पे क्वेश्चन में डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस दिया 20,000, मैंने नोट डाउन कर लिया, और यहां पे डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस ऑलरेडी मुझे दे दिया है तो मैंने नोट डाउन कर दिया। बीआर का ओपनिंग बैलेंस यहां पे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 5,600, एंड बीआर का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 6,500। स्टूडेंट्स हैव अ लुक एट द स्क्रीन, मैंने आपके सामने डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस डाला है, देखो ध्यान से देखो, ओपनिंग बैलेंस 20,000 डाला है, क्लोजिंग बैलेंस 25,000, ओपनिंग बैलेंस 20, और बीआर का ओपनिंग बैलेंस डाला है 5,600, क्लोजिंग बैलेंस डाला है 6,500। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली ओके। तो यहां तक इतना मैंने लिख दिया, आई डोंट थिंक किसी को कुछ भी डिफिकल्टी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में मेरा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया। देखो क्वेश्चन में जो भी आइटम आप नोट डाउन करते हो ना, उसको काट देना है ताकि आपको समझ में आए आप कहां पे हो, आपने सारे आइटम ठीक से लिखे या नहीं। नाउ एवरीवन, बिल्स जब आप एक्सेप्ट करते हो तो डेटर कम होता है और बीआर बढ़ता है, तो बिल्स एक्सेप्टेड 3,000 है। लुक एट द स्क्रीन एवरीवन, बाय बीआर इनटू ब्रैकेट एक्सेप्टेंसेस रिसीव्ड। ओके, तो लोगों ने हमें बोला कि हम पैसा नहीं देंगे, बट हम आपको बिल ऑफ एक्सचेंज दे देते हैं, एंड ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये ड्यू डेट के दिन आके हमें दो और फिर हम आपको कैश दे देंगे। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंसेस रिसीव्ड बाय बीआर, और बीआर लेजर में टू डेटर्स, इससे आपका बीआर क्रिएट हो गया। कितने का क्रिएट हो गया आपका? 3,000। आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली ओके, और मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी को कुछ भी डिफिकल्टी होगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सेप्टेंसेस और यहाँ पे मैंने नोट डाउन कर लिया, नो प्रॉब्लम एट ऑल एवरीवन। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया है डिस्काउंट अलाउड 1,500, बैड डेट्स 3,000, सेल्स रिटर्न 2,000, कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स 33,000। चारों आइटम एक साथ आएंगे, इसी के लिए मैंने एक साथ उसको कट किया, डोंट वरी। देखो ध्यान से, डिस्काउंट अलाउड, बताओ डिस्काउंट अलाउड कितना है?
इट इज 1500. उसके बाद में उन्होंने हमें दिया हुआ है सेल्स रिटर्न, ऑल्सो कॉल्ड एज रिटर्न इनवर्ड 2000. फिर उसके बाद में उन्होंने हमें दिया हुआ है बैड डेट्स, तो मैंने बैड डेट्स यहाँ पे नोट डाउन कर दिया. और उन्होंने बोला हुआ है कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स 33,000. तो आपके सामने मैंने ये सारी एंट्रीज कर दी. आई होप सबको ये एब्सोल्युटली ओके है. आपके सामने मैंने किया है, आई थिंक दिस इज एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम एट ऑल. नेक्स्ट, बिल्स ऑनर्ड. बिल्स ऑनर्ड मतलब कि जो बीआर वाले लोग हैं, डेटर्स हैं, उन्होंने हमें कैश दे दिया है 3500. एक छोटा सा करेक्शन करना, जो बिल्स ऑनर्ड है मतलब कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज से हमें पैसा मिल रहा है वो 1500 है. यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक कर दी थी मेरे असिस्टेंट ने, तो प्लीज जरा ये फिगर आप चेंज कर देना 1500 को. नाउ बिल्स ऑनर्ड मतलब कि ड्यू डेट के दिन हम अपने डेटर के पास गए और उन्होंने हमें कैश दे दिया, ये है 1500. सो ये मैं आपके सामने कट कर रहा हूं. एंड अब मैं चला जाऊंगा बीआर लेजर पे, और बीआर लेजर पे मैंने यहां पे लिख दिया बाय कैश कलेक्शंस 1500. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली ओके एवरीवन. आई डोंट थिंक यहां पे किसी को भी कुछ भी डिफिकल्टी है. ऑलराइट, नाउ आगे उन्होंने दिया हुआ है कैश सेल्स, जिसको हम सेल्स लेजर में ले लेंगे और अल्टीमेटली ये चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में. सो सेल्स क्रेडिट साइड बाय कैश दिस फिगर वॉज 36,000. एम आई राइट विद दिस? ओके, अब एवरीवन मेरा पूरा फोकस चला गया बीआर लेजर पे. बीआर लेजर पे फंडामेंटल आइटम्स होते हैं बीआर क्रिएटेड थ्रू डेटर्स एंड कैश कलेक्टेड. बट जहां पे भी हमें इतने सारे बीआर में आप डील कर रहे हो, इवन जब आप चेक्स में डील करते हो, जैसे एडवर्ड अकेडमी में 300 चेक्स आ रहे हैं, तो 300 चेक्स में से एवरीवन 10 चेक बाउंस होते ही हैं. ये इनएविटेबल है, लोग गलतियां कर देते हैं, मिस कैलकुलेशन करते हैं फाइनेंसिस की, कुछ लोगों को पेंडेमिक से इंपैक्ट होता है, रिसेशन से लोग मारे जाते हैं, बिजनेसेस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और लोग पे नहीं कर पाते. इट इज अ वे ऑफ लाइफ. ओके, सो यहां पे एवरीवन सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है बट डिसऑनर्ड बिल्स का इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ. बीआर का मेरा डेबिट टोटल कितना हो गया 8600. हाउएवर मेरा जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो हो रहा है सिर्फ 8000. तो एवरीवन टेल मी कि कितने बिल्स डिसऑनर हो गए 600 रुपए के. डिड यू अंडरस्टैंड हाउ आई डिड दिस? मैंने दोनों साइड का टोटल लिया, जो साइड हेवियर थी उसका टोटल नीचे लिख दिया और मुझे ऑटोमेटिकली कितने का बिल डिसऑनर हो गया ये समझ में आ गया. आई होप एवरीवन इज विद मी. ओके, और ये जो एंट्री है बिल डिसऑनर्ड की, डेटर्स को भी हिट करेगी. तो मैंने पहले बीआर लेजर टैली किया, बीआर लेजर टैली करके मेरे को 600 रुपए का बैलेंस यहां पे मिल गया. अब ये जो 600 रुपए हैं ये मैं डेटर्स लेजर में बीआर डिसऑनर्ड यहां पे लिख दूंगा. बोलो कितना? 600. इससे डेटर रिक्रिएट हो गया और अब ये डेटर को मुझे 600 आज नहीं तो कल पे करना पड़ेगा. इज दिस फाइन? अब अगर आप डेटर्स लेजर देखोगे ऑल ऑफ यू, तो डेटर्स लेजर में यू कैन क्लियरली सी दैट ऑल द इंफॉर्मेशन इज गिवन एक्सेप्ट फॉर द क्रेडिट सेल्स. एब्सोल्युटली ओके. तो मैं अभी क्रेडिट साइड का टोटल ले लूंगा विच इज कमिंग टू 67,500. 67,500 मैं डेबिट साइड पे भी लिख दूंगा और जो मेरा क्रेडिट सेल्स है इट इज 67,500 माइनस द ओपनिंग बैलेंस एंड माइनस द बीआरस डिसऑनर्ड. सो मेरा क्रेडिट सेल्स आ गया 46,900. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली ओके एवरीवन. तो पहले मैंने बीआर का लेजर टैली किया, बीआर लेजर में जो 600 रुपए आ रहे थे उसको उठा के मैंने डेटर्स लेजर में डाला और अब मेरा डेटर लेजर टैली हो गया. डेटर लेजर टैली होके मुझे क्रेडिट सेल्स मिल गया. अब ये 46,900 क्रेडिट सेल्स में सेल्स लेजर क्रेडिट साइड में डालता हूं और अब मेरा टोटल सेल्स मुझे मिल जाएगा विच इज 82,900. डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? कुछ कुछ स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, उनको लगता है हाँ भाई डेटर लेजर में से मेरे को क्रेडिट सेल्स मिल गया तो यही सेल्स है. नो, क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स इज टोटल सेल्स. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली ओके एवरीवन. तो ये जो मैंने आपके लिए क्वेश्चन किया है ये था डेटर एंड सेल्स बेस्ड क्वेश्चन. एक क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए ले लो और नेक्स्ट टाइम मैं आपको क्रेडिटर का क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा. एब्सोल्युटली ओके एवरीवन? आपके सामने मैं आपको होमवर्क टाइप करके दे रहा हूं. तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे सर्टन इंफॉर्मेशन ऑन बिजनेस ऑफ रुचि दिया है, तो मैं आपके सामने सारे बैलेंसेस चेंज कर रहा हूं. देखो एवरीवन,
एवरीवन इन फ्रंट ऑफ यू आई हैव चेंज्ड ऑल द बैलेंसेस और आपका ये होमवर्क है कि आज आप ये पूरा सेम क्वेश्चन एक बार सॉल्व करोगे. कौन सा फिगर कहाँ जाएगा मैंने आपको बता दिया है. प्लीज ये सॉल्व करके मुझे आप इसकी फोटो पिंग करो ऑन माय असिस्टेंट्स नंबर विच इज 9175887039. ओके यू ऑलरेडी हैव दिस नंबर. आपको मालूम है कि मेरे असिस्टेंट का नंबर है. आप ये नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पिंग भेजो. दैट्स इट फॉर टुडे. हैव अ वंडरफुल डे. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.